हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आकांक्षा और आज की वीडियो में एक प्रोडक्ट का रिव्यू करने वाली हूं, एलोवेरा जेल का रिव्यू करने वाली हूं। और अगर आप मेरे वीडियोस देखते होंगे तो आपको पता होगा कि मैंने लास्ट वीडियो में स्मिटन ऐप के बारे में बताया था, जहां से मैंने कुछ फ्री में सैंपल प्रोडक्ट्स मंगवाए थे। तो ये भी मंगवाया था, इसको भी यूज़ कर रही हूं। और अगर आप भी सैंपल प्रोडक्ट मंगवाना चाहते हैं, आई बटन पे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वो वीडियो चेक ज़रूर कीजिएगा। आप भी सैंपल प्रोडक्ट्स मंगवा सकते हैं और अपने पैसे बचा सकते हैं। आज के वीडियो में मैं इसका रिव्यू करने वाली हूँ। ये जो जेल है, ये है वाओ स्किन साइंस का एलोवेरा जेल, जो कि 99% प्योर एलोवेरा जेल से मिलकर बना हुआ है। खास बात यह है कि डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, कोई भी पैराबिन, सल्फेट, सिलिकॉन, कलर और फ्रेग्रेंस कुछ भी यूज़ नहीं किया गया है। काफ़ी प्योर ये एलोवेरा जेल है, सारे स्किन टाइप्स को सूट करता है, सारे हेयर टाइप्स को ये सूट करता है। ये तो इसका सैंपल प्रोडक्ट है जो कि 25 ml का है, पर जो इसका एक्चुअल प्रोडक्ट आता है वो 250 ml का आता है और आपको ईजीली ऑनलाइन वो मिल जाएगा। और एलोवेरा जेल के बेनिफिट्स की बात करूँ तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। एलोवेरा जेल में बहुत अच्छे अच्छे न्यूट्रिशन होते हैं, इसमें 75 टाइप के अच्छे अच्छे न्यूट्रिशन, जैसे कि विटामिन्स होते हैं, एमिनो एसिड्स होते हैं और ऐसी चीज़ें होती हैं जो स्किन के लिए, हेयर के लिए बहुत अच्छी होती हैं। तो अब बात करते हैं ये जो प्रोडक्ट है क्या क्या क्लेम करता है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो जैसे कि एलोवेरा जेल के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, स्किन के लिए, हेयर के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होती है, तो ये एलोवेरा जेल भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है स्किन के लिए, हेयर के लिए। ये प्रोडक्ट क्लेम करता है कि ये आपके स्किन को हेल्दी बनाएगा, स्किन से दाग धब्बे दूर करेगा, एक्ने की प्रॉब्लम को दूर करेगा, सनबर्न की प्रॉब्लम को दूर करेगा, स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करेगा, ड्राइनेस की प्रॉब्लम को दूर करेगा और पोर्स को टाइट करता है। स्किन की ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। ऐसे ही अगर आप इसको बालों पे भी यूज़ करते हैं तो ये बालों की ड्राइनेस को दूर करेगा, बहुत अच्छे से कंडीशनिंग करता है और आपके बाल रफ हो गए हैं तो उनको फ्रिज फ्री बनाएगा, साथ ही साथ डैंड्रफ की प्रॉब्लम को दूर करेगा, ईची स्कैल्प की प्रॉब्लम है, ये सारी प्रॉब्लम्स ये जेल दूर करता है। और वैसे तो ये काफ़ी सेफ है सारे स्किन टाइप्स के लिए, पर आपकी सेंसिटिव स्किन है या एक्ने प्रोन स्किन है या कुछ इन्फेक्शन वगैरह अगर आपको हुआ है तो इसको यूज़ करने के पहले पैच टेस्ट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अब सबसे ख़ास बात करूँगी इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में कि आखिर ये किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। तो मैं ऑलरेडी एक वीडियो कर चुकी हूँ कि आपको एलोवेरा जेल परचेस करते टाइम कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन सी क्वालिटीज़ एक एलोवेरा जेल में होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं क्या वो सारी क्वालिटीज़, क्या वो सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें हैं या इसमें फालतू चीज़ें यूज़ की गई हैं। तो इसमें यूज़ किया गया है एलोवेरा जूस। तो जब भी आप एलोवेरा जेल परचेज करते हो, बहुत सारे जेल्स में पाउडर फॉर्म में एलोवेरा यूज़ किया जाता है जो कि उतना प्योर नहीं होता, पर इसमें जूस यूज़ किया गया है तो ये अच्छी बात है। ओके, और दूसरा इसमें यूज़ किया गया है ज़ैंथन गम। ज़ैंथन गम जो होता है वो प्लांट बेस्ड थिकनर होता है, कंसिस्टेंसी को मेंटेन करता है, इसके लिए ये यूज़ किया जाता है जो कि स्किन के लिए सेफ है। और इसमें यूज़ किया गया है सोडियम बेंजोएट, पोटेशियम सॉर्बेट एंड सिट्रिक एसिड। तो ये जो तीनों चीज़ें हैं ये एक टाइप का प्रिजर्वेटिव हैं, स्किन के लिए बिल्कुल सेफ होती हैं और साथ ही साथ इसमें एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। इसमें कोई भी कलर वगैरह फ्रेग्रेंस यूज़ नहीं किया गया है, कंसिस्टेंसी जैसे जेल होती है वैसे ही है। और इसकी फ्रेग्रेंस की बात करूँ तो कोई भी अलग से सिंथेटिक फ्रेग्रेंस नहीं यूज़ की गई है, जैसे कि एलोवेरा प्लांट की फ्रेग्रेंस होती है थोड़ी थोड़ी, इसमें वैसी ही फ्रेग्रेंस आती है। आप इसको यूज़ करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि ये कितना ज़्यादा प्योर है। और अगर अभी तक आपने इसको यूज़ नहीं किया है और आप बाकी सारे ग्रीन कलर वाले एलोवेरा जेल्स यूज़ कर रहे हो, तो इसको यूज़ करने के बाद ना आप इसके मतलब इसको आप रेगुलर अपने रूटीन में इंक्लूड करोगे, क्योंकि ये इतना ज़्यादा प्योर है। इसमें एक चीज़ और मेंशन है कि आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एलोवेरा जेल है तो आप सिर्फ इसको अपने फेस पे यूज़ कर सकते हो या सिर्फ बालों पे यूज़ कर सकते हो, इसको आप कई तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हेल्दी मॉइस्चराइज़र, तो आप इसको अपने स्किन पे मॉइस्चराइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
नेचुरल स्क्रब, तो आप 1 टीस्पून एलोवेरा जेल ले लीजिए, उसमें आप शुगर मिक्स कर लीजिए 1 टीस्पून और अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इसको आप बॉडी स्क्रब के जैसे या फेस स्क्रब के जैसे यूज़ कर सकते हैं। सनबर्न सूदर, तो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सूदिंग होता है, इसमें कूलिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो आप इसको सनबर्न हो गया है तो उसको ट्रीट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और एंटी एजिंग प्रोटेक्टर, तो आप इसको हैंड पे, स्किन पे, फेस पे, हैंड पे, नेक पे अच्छे से मसाज कर सकते हैं। ओवरनाइट इसको ऐसे ही लगे रहने दीजिए, तो ये एजिंग की प्रॉब्लम को भी दूर करता है। हील सेवर, अगर आपको चैप्ड हील का प्रॉब्लम है तो आप इसको अपने हील्स पे अप्लाई कर लीजिए, सॉक्स पहन लीजिए, इसको ओवरनाइट पहने दीजिए, तो ये वो प्रॉब्लम भी आपकी दूर करेगा। रफ स्किन, अगर आपकी रफ़ स्किन है, जैसे कि एल्बो पे, नीस की स्किन बहुत ज़्यादा रफ़ हो जाती है, बहुत ज़्यादा ड्राइनेस आ जाती है, तो आप इसको वहाँ भी यूज़ कर सकते हैं, तो ये जो भी एल्बो है, आपके नीस है, उसको एकदम सॉफ्ट बना देगा। हेयर एंड स्कैल्प नरिशमेंट, तो बहुत ज़्यादा बाल ड्राई लग रहे हैं अगर आपको, तो आप इसको बालों पर ओवरनाइट लगे रहने दीजिए, तो ये बालों को बहुत अच्छे से नरिश करता है। हेयर सॉफ्टनर, तो आप इसको बालों पर अच्छे से मसाज कर लीजिए, बालों पर, स्कैल्प पर ओवरनाइट लगे रहने दीजिए, तो ये बालों को बहुत अच्छे से कंडीशनिंग भी करता है। आफ्टर शेविंग लोशन, तो बॉयज इसको शेविंग करने के बाद आफ्टर शेविंग लोशन के जैसे यूज़ कर सकते हैं। गर्ल्स भी अगर शेविंग करती हैं तो शेविंग करते टाइम अपने फेस पे एलोवेरा जेल से अच्छे से मसाज कर लीजिए, तो आपकी शेविंग इजी हो जाएगी, और बाद में भी शेविंग हो जाए तो अच्छे से मसाज कर लीजिए, जिससे कि कोई भी इन्फेक्शन वगैरह होने के चांसेस नहीं रहेंगे। जेल इसकी सेल्फ लाइफ है 2 ईयर्स, तो आप इसको 2 साल तक यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं कुछ दिनों से इसको यूज़ कर रही हूँ। इसकी सबसे अच्छी बात ये लगी कि मैंने जो भी जेल्स अभी तक यूज़ किए, उनमें कलर्स होता है, उनमें फ्रेग्रेंस होती है, एक तीखी सी फ्रेग्रेंस होती है, जैसे कि मैं पतंजलि का यूज़ कर चुकी हूँ, काया का यूज़ कर चुकी हूँ, और खादी का यूज़ कर चुकी हूँ, सब में कुछ ना कुछ फ्रेग्रेंस है इसमें, ना तो फ्रेग्रेंस है ना ही कोई कलर है। आपको इसको लगाने के बाद एक अलग ही फ्रेशनेस फील होगी, बहुत अच्छे से स्किन को सॉफ्ट बनाएगा। इसको लगाने के बाद स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लगेगी, बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करता है। अच्छी बात यह है कि मॉइस्चराइज करता है, पर ऐसा नहीं है कि आपकी स्किन को ऑयली बनाएगा, स्किन बहुत ज़्यादा ऑयल फ्री लगेगी, बिल्कुल भी चिपचिप नहीं करता है। तो सारे स्किन टाइप्स वालों के लिए ये बहुत अच्छे से काम करता है। एक्ने प्रोन स्किन है तभी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मेरी एक्ने प्रोन स्किन है, आते जाते रहते हैं, एक दो पिंपल्स आते जाते रहते हैं, तो मैं इसको जब भी टी ट्री ऑयल के साथ मिक्स करके लगाती हूँ तो एक गजब का काम करता है। आप इसको और भी कई तरीक़ों से, अपने तरीक़ों से, इसमें एसेंशियल ऑयल्स वगैरह मिक्स करके बिल्कुल लगा सकते हैं, और ये स्किन को बहुत अच्छे से नरिश करता है और स्किन को हेल्दी बनाता है। अगर आपने इसको यूज़ कभी नहीं किया ना, तो जब आप इसको फर्स्ट टाइम यूज़ करेंगे तो आप फिर इसको रेगुलर यूज़ करेंगे, क्योंकि ये इतना ज़्यादा प्योर है, और इसकी प्योरिटी जब आप यूज़ करेंगे आपको तब पता चलेगी। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका स्किन केयर रूटीन कम्प्लीट नहीं होता है एलोवेरा जेल के बिना, तो बिल्कुल ये भाव का एलोवेरा जेल आपके पास होना ही चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगी कि अफोर्डेबल है, अफोर्डेबल नहीं है, पर ये जो भी इसका प्राइस है उतना ये काम भी करता है। मतलब आपको उसको लेने के बाद ऐसा नहीं लगेगा कि आपने अपने पैसे बर्बाद किए, और 299 शायद से इसका प्राइस है, आपको ऑनलाइन कुछ डिस्काउंट भी मिल सकता है, पर ये काम गजब का करता है। मतलब बहुत ज़्यादा प्योर है, जो भी एक एलोवेरा जेल में होना चाहिए बात, वो सारी बातें इस जेल में हैं, तो बिल्कुल आप इसको एक बार यूज़ ज़रूर करना। अगर आप एलोवेरा जेल यूज़ करना पसंद करते हैं तो ये बिल्कुल यूज़ करके देखना, और फिर आप सारी एलोवेरा जेल्स को भूल जाओगे, इतना ज़्यादा अच्छा है। और आप बड़े पैक इसके नहीं मंगवाना चाहते हो तो आप भी सैम्पल प्रोडक्ट्स मंगवा सकते हैं, आप इसको एक बार यूज़ करके देख लो, अगर सूट करता है तो फिर बड़ा पैक मंगवा सकते हैं आप। काफ़ी अच्छा है, बिल्कुल आपको एक बार यूज़ करना चाहिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी लिंक्स मिल जाएंगी, वहाँ से आप इसको परचेस कर सकते हैं। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया जल्दी से लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।